वेलकम टू कुकिंग सुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको आटे के हेल्दी बिस्किट बनाना बताऊंगी। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, आप आवाज सुन सकते हैं कितने अच्छे और सॉफ्ट बिस्किट हमारे बन के तैयार हुए हैं। ये बिस्किट मैंने बिना बेकिंग सोडा बिना बेकिंग पाउडर के ही बनाए हैं। ये बिस्किट बनाने में हमने मैदा सूजी या बटर का यूज नहीं किया है। तो ये बिस्किट मैंने कैसे बनाए तो चलिए वीडियो में देखते हैं। 2 कप चाहिए हमें आटा, 1 कप हमने लिया है नारियल का बूरा, वो आप ले लें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ली है पिसी हुई शक्कर, तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर पिसी हुई शक्कर ली है। आप इसकी जगह चाहे तो पिसी हुई मिश्री भी ले सकते हैं। 1/3 कप हमने यहाँ पर लिया है देसी घी। घी डालने से बिस्किट हमारे बहुत ही अच्छे टेस्टी बनेंगे। देसी घी की जगह यदि आप तेल लेंगे ना, लेकिन उससे बिस्किट जो अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि देसी घी के बिस्किट जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज्यादा घी इसमें नहीं लगता है। हम ये मोयन के लिए देंगे, फ्राई तो हम वैसे भी तेल में ही करेंगे, तो बेस्ट है कि आप देसी घी ही लें। और हमने यहाँ पर लिया है दूध, या नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है, इसे हम गूंथेंगे। तो आटे के अंदर अब हम डालेंगे नारियल का बूरा। नारियल का बूरा हमें ज्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है। यदि ज्यादा डालेंगे ना तो बिस्किट जो हमारे बिखर जाएंगे। और अब हम डालेंगे 1/2 कप पीसी हुई शक्कर। और अब हमें डालना है मेल्ट किया हुआ घी। घी को मैंने थोड़ा गैस पे गरम कर लिया है ताकि अच्छा हल्का गरम हो जाए, ज्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल जरा सा, ताकि ये पिघल जाए। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। इस तरह हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन दबाना नहीं है, इनको हमें जोड़ना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह इसको मिक्स करना है। ये देखिए थोड़ा सा हम घी का मोयन और देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, बस इतना ही हमें इसको देना है। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसको जो है जोड़ना नहीं है, इस तरह हल्का हल्का मिक्स करना है, क्योंकि इसको हम गूंथेंगे नहीं, गूंथेंगे तो बिस्किट जो है हमारे हार्ड बनेंगे। इस तरह हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसको मिक्स करना है ताकि ये जुड़ जाए। थोड़ा थोड़ा करके अभी हमें इसमें दूध ऐड करना है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही हम दूध ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया था, तो थोड़ा हम इसमें और ऐड करेंगे और बिल्कुल इसको गूंथने की कोशिश हम नहीं करेंगे। तो डो लगाने में हमको इतना दूध लगा, आप देख सकते हैं इतना दूध जो हमारा बच गया है। तो इसको अब हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि जो आटा अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं आटा अच्छे से सेट हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं व्हाइट तिल, तो 2 टीस्पून मैं इसमें व्हाइट तिल ऐड करूंगी। और सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथ से हमें इसको जोड़ना है, बस गूंथना नहीं है। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करना है, आप देख सकते हैं। इस तरह का डो हमें लगाकर देखना है, एक लोई बना के हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा डो अच्छे से लगा है या नहीं। इस लोई को छोटा सा मैंने तोड़ लिया है और इसको हम हल्का सा गोल करेंगे। इस तरह जो है अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इस तरह क्रेक नहीं होनी चाहिए इसमें। थोड़ा सा हम दबाव डाल के इसको हल्का सा और अच्छे से इसको हम गूंथ लेंगे, ज्यादा जोर नहीं देना है हमें। तो अब एक छोटी सी लोई को हम तोड़ेंगे और हल्के हल्के प्रेशर से इसको हम गोल करेंगे, और हल्का सा इसको हम गोल करते हुए इसको प्रेस करेंगे। इस तरह की हमारी लोई होनी चाहिए, ये देखिए बिल्कुल भी जो क्रेक नहीं होनी चाहिए। तो हल्का सा इसको हम और दबा लेंगे, बीच का जो पार्ट है ना मोटा मोटा, इसको हम बिल्कुल इक्वल करेंगे। तो इस तरह दबा के इसको मोटा ही रख लेंगे, तो जो है ये तल खाने में जो है कच्चा रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह हमें इसको बना के तैयार करना है। शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट रखी है, प्लेट में लोई को रख दिया है। इस तरह का हमें एक ढक्कन चाहिए, आप कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इस तरह हमें इसको प्रेस करते हुए इसको डिजाइन बनानी है, आप कोई सी भी डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह हमें इसकी डिजाइन बनानी है, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल इस तरह हमें इसको डिजाइन बनाना है। इस तरह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिजाइन हमारी बनी है।
ये देखिए इस तरह हमें इसको बनाना है। बहुत ही आसान है, बड़े आसानी से बन जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इस तरह हमें सभी लोइयों पे डिजाइन बना लेनी है। तो ये देखिए एक राउंड की जो है मैंने बनाकर रख लिया। पहले इनको हम फ्राई करेंगे, जब तक ये फ्राई होगी तब दूसरा राउंड की भी बना के रख लेंगे। गैस पे मैंने पैन रखा है, उसमें तेल ऐड कर दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को हमें कम करना है और थोड़ा सा तेल को हम ठंडा होने देंगे। तो तेल ठंडा हो गया है तो एक एक करके जो हम इसमें बिस्किट डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है, पूरी जो डिजाइन वाला पार्ट है ना ये हमें ऊपर की ओर रखना है। इस तरह सभी हम डाल देंगे। 3 मिनट तक इसको हमें छेड़ना नहीं है, बिल्कुल कम फ्लेम पे इसको हमें पकने देना है। जितने आएंगे उतने ही डालेंगे, एक के ऊपर एक हमें नहीं डालना है। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट जो है हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे जो है बिस्किट हमारे बने हैं। इनको सिकने में 5 मिनट का हमें टाइम लगा है। तो बिस्किट हमारे सीख गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। एक एक करके हमें इन्हें निकालना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बिस्किट हमारे बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह इन बिस्किट को अभी हमें ठंडा होने देना है। इनको हम एक प्लेट में फैला के रख देंगे, एक के ऊपर एक हमें नहीं रखना है। हमें इनको फैला के आधे घंटे के लिए हम इनको रख देते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो जाए। बहुत ही अच्छे और टेस्टी बिस्किट बने, आप देख सकते हैं डिजाइन भी कितनी इसमें अच्छी आई है। बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के हमने ये बिस्किट बनाए हैं। इस तरह दूसरे राउंड के बिस्किट भी हमारे बन के तैयार हो गए, तो इन्हें भी अब हम डालेंगे। इस तरह फोक की मदद से हम एक एक करके इनमें डालेंगे, बड़ी आसानी से डल जाते हैं। यदि आपको डायरेक्ट डालने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह भी इसको डाल सकते हैं। तो कम फ्लेम पे हम इनको सिकने देंगे, बिल्कुल हम छेड़ेंगे नहीं 2 से 3 मिनट तक। आप देख सकते हैं बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे और बढ़िया बिस्किट बने हैं, कहीं से भी टूटे नहीं हैं। बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर के हमने कितने अच्छे और हेल्दी बिस्किट बनाकर तैयार किए हैं। बिस्किट बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो हम डो लगाएंगे उसको बिल्कुल टाइट टाइट हमें नहीं गूंथना, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें सिर्फ आटा ही मिक्स करना है। और दूसरा, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो कम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है। यदि फुल फ्लेम पे करेंगे तो कलर तो आ जाएगा लेकिन बिस्किट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब एक बिस्किट मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए आवाज आप सुन सकते हैं, कितने अच्छे क्रिस्पी बिस्किट बने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से भी कच्चे नहीं और कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपने जो बिस्किट बनाए वो कैसे बने हैं। साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।